लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साहब, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशंस भी हुई। हमने भी यहाँ पे सेलिब्रेशंस की, लेकिन भारत में भी बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशंस हुई। बहुत सारे लोगों ने, जारी बात है, आज का जो टॉपिक है वो मेरा बेसिकली इंडिया के है कि इज इंडिया ट्राइंग टू डिस्कवर इट सेल्फ, रीडिस्कवर इट सेल्फ, री इन्वेंट इट सेल्फ। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्राइंग टू नो इंडिया वाली बात है। मैं थोड़े दिन पहले, एक अमेरिकन प्रोफेसर है, इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर थे, डॉक्टर मुकद्दर खान, उनसे बात कर रहा था अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। और उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ चीजें कही, मैं चाहता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ एंड देन फिर इसके ऊपर बात करूँ। उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो इस वक्त राइज ऑफ बीजेपी है, ये बेसिकली ये समझते हैं कि हम इंडिया के ऊपर 1000 साल लेट से मुसलमानों ने हुकूमत की। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गांधी साहबा थी, उन्होंने कहा जब बांग्लादेश बना और ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ तो उन्होंने कहा कि वी हैव ड्राउन द टू नेशन थेरी। और उन्होंने कहा कि हमने उसको भी और हमने वो जो थे वो बदला भी ले लिया। और इस तरह की बातें भी माजी में होती हैं। तो वो प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये जो राइज ऑफ बीजेपी है, इसमें बेसिकली वो एक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है कि इंडिया चाहता है कि क्योंकि 1000 साल पे मुसलमानों ने कंट्रोल किया, फिर 200 साल ब्रिटिश आए, तो अब दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो जो इंडिया है इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू स्टेट होनी चाहिए। मैं सब इंडिया के अंदर इस तरह की, क्या ये जो डिस्कशन है, क्या इसको देखा जा रहा है, क्या इसको इस तरह बात की जा रही है? जैसे शशि थरूर ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आएंगे पावर में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था, बहुत सारी और चीजों भी थी। तो आप क्योंकि बहुत करीब से देखते हैं और आप उन भारतीयों में से हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं, तो हमें जरा बताएं कि द माइंड सेट एंड द थॉट्स जो आपको समझ आते हैं इस चीज में। पहले तो चीमा साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। चीमा साहब, पहली बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना, इंदिरा गांधी ने बोला था कि 1000 साल की जो इस्लामिक रूल था या फिर टू नेशन थ्योरी, ये दिस इज नॉट फैक्ट, ये कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। ये एक अर्बन लेजेंड जिसको कहते हैं, ये इतनी बार रिपीट हो गया कि पाकिस्तान में सबको लगता है कि इंदिरा गांधी ने पक्का कहा है, क्योंकि किसी ना किसी ने किसी सोर्स से बात सुनी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैंने इस चीज को कई जगह ढूंढा और गवर्नमेंट की आर्काइव्स में ये कहीं नहीं मिला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सारी की सारी चीजें नोटेड रहती हैं, नथिंग इज पर्सनल। एंड इंदिरा गांधी ने कभी ऐसा अगर कमेंट करा होगा जो इतने पाकिस्तान में सबको पता है, तो इट वुड हैव बीन सेड इन एन इंटरव्यू, इन एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कुछ उन्होंने कहा होगा जो कि एक ऑफिशियल दर्जा रखता होगा। मुझे आज तक नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि ये कहा है। दिस इज एन अर्बन लेजेंड, इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं कहा, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि यह कहना कि बीजेपी इस चीज के लिए अपने आप को रीडिस्कवर कर रही है, इंडिया इस तरीके से अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है कि 1000 साल मुसलमानों ने कंट्रोल करा और फिर 200 साल अंग्रेज, मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी थ्योरी इसलिए गलत है चीमा साहब, क्योंकि फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ठीक है, 2014 में क्यों आया? ये फीलिंग अगर 1000 साल पुरानी है तो आजादी के बाद आ जाना चाहिए था इसको, ये नहीं आया आजादी के बाद, क्योंकि ये फीलिंग नहीं थी। देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना, ये थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स है। व्हाई 2014? व्हाई नॉट 2004? व्हाई नॉट 1994? व्हाई नॉट 1984? क्यों नहीं था? तब तो बीजेपी और अटल जी भी जो बने थे, अटल जी की पूर्ण बहुमत नहीं थी, ही डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, वो भी सपोर्ट से बने थे। एनडीए की जो सरकार बनी थी वो सपोर्ट से बनी थी अटल जी की, जब वो फिर सपोर्ट हट गया, उन्होंने वो फेमस स्पीच थी उनकी कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देने के लिए, इस्तीफा देने के लिए। तो ये द सिचुएशन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स एंड विथ योर परमिशन चीमा सर, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, जो रिसेंटली स्पीच भी दी थी, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी हो, वो कहते हैं कि मानसिक दासता नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो जहनी आजादी है ना, वो किसी भी कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस हैं ऐसे,
अरे साहब, आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है? आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है? डू यू नो? ये कहते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर्टिकल छपा है, छपा है, कोने में डालो ना, कौन पढ़ रहा है यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट? ये मोदी जी का एटीट्यूड है और ये इंडिया का एटीट्यूड। आपने एक एक बड़ी इमेज थी जो मैं आपको समझाता हूं, जो इंडिया का कैसे चेंज हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, इंडियंस का माइंडसेट कैसे। आपको याद है सौरभ गांगुली, वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी में हिला रहा है? दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा, लॉर्ड्स होगा, तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी। तो अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है। साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं करा, और पीक जो था मुगल एम्पायर, दैट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब आलमगीर, वो पीक पे था। और उस समय जब पीक पे था औरंगजेब आलमगीर का जो एम्पायर था चीमा साहब, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था, बिकॉज मराठों ने अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों ने इतनी खिड़कियां हिलाई मुगल साम्राज्य की कि उसको बेचारे को डिप्रेशन हो गया। वो कब से लड़ रहा था पता है? 10, 20, 30 साल कब से, कितना लड़ लड़ के मराठों के साथ। मराठों ने क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर वेज करा, क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर छत्रपति शिवाजी महाराज ने, कभी जंगलों में, कभी पठारों में, कभी बीहड़ में, कभी किलों में, यहां से मारा वहां से। देवर यूज टू द मुगल्स वर यूज टू अ कन्वेंशनल वॉर। इनको समझ में नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी कहां से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहा है, ये बहुत बेचारे हिल गए थे। तो ये कहना कि पूरा एक छत्र राज था मुस्लिम्स का इंडिया पे, ये भी गलत है। पर हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, जहां तक बाद में आप हम देखते हैं कि हैदराबाद तक जहां तक निजामत गई थी, वहां तक तो था, वहां तक तो था, ये बात सच है। जो ब्रिटिश रूल था, दैट वॉज नेवर क्रिश्चियन रूल, दैट वॉज ब्रिटिश रूल। जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने इस्लाम के नाम पे रूल करा, उनके सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा गया या उनके सिक्कों के ऊपर इस्लामिक क्रेड। अंग्रेजों का कुछ नहीं था, अंग्रेजों का था क्वीन की फोटो बनाई और 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी उनको छापना था। दे रूल्ड इन द नेम ऑफ द क्वीन और द क्राउन फॉर दैट मैटर। मुस्लिम रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड। अब मैं बताता हूं कि ये भाजपा का, ये जो आरएसएस का या बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का क्या हुआ, जो मुस्लिम रूल था इंडिया पे वो तो पहले था, 1857 पे तो खत्म हो गया मुस्लिम रूल, उसके पहले भी नहीं था। खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेर रखा था, लेकिन 1857 के बाद फिर कंपनी राज खत्म हुआ और मलिका ब्रितानिया का राज, या जो भी राजा था वहां पे, उसका राज हो गया यहां पे, राइट। 200 साल करीब गोरे ने राज करा। सवाल